हेलो मैनर्स, वेलकम टू बायोलॉजी ग्रुप। तो आप सभी ने सुना ही है कि मैमल्स, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि मैमल्स यंग वन को बर्थ देते हैं, वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। बट क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जो कि एग को ले करते हैं, मीन्स वो अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ नहीं दे रहे बट ही वो एग जो है वो ले करते हैं। तो इन्हीं एग लेइंग मैमल्स के बारे में, जिन्हें हम मोनोट्रीम्स भी बोलते हैं, उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एग लेइंग मैमल्स। तो इनको जाना जाता है विद द नेम ऑफ मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स को ऑर्डर में प्लेस किया गया है मोनोट्रेमेटा। मोनोट्रीम्स क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि बिकॉज ये जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से ली गई है, जहाँ पे मोनोज रिफर करता है सिंगल और ट्रीमा का मतलब होता है होल। मीन्स इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ, मोनो मीन्स एक, सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल एक्सक्रीटरी ओपनिंग होती है, जिसे कि हम क्लोएका बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस सिंगल एक्सक्रीटरी ओपनिंग, इनको हम मोनोट्रीम्स बोलते हैं। अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन मोनोट्रीम्स को या एग लेइंग मैमल्स को? सो दे बिलोंग्स टू ऑर्डर मोनोट्रेमेटा, आपको पता चल गया, एंड दे आर द ग्रुप ऑफ हाईली स्पेशलाइज एग लेइंग प्रेडेटरी मैमल्स कंटेनिंग। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? प्लैटिपस एंड एक्टिनास, जिनको कि अभी हम देखेंगे डिटेल में। सो ये प्रेडेटरी है, मीन्स अदर जो लिविंग बींग्स हैं, अभी आप देखोगे कुछ एग्स को, स्मॉल इंसेक्ट्स को, इनको किल करके ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, राइट? सो ये एग को ले कर रहे हैं, और बट ऑन द अदर हैंड ये क्या है, मैमल्स की तरह अपने जो यंग वन है उनको मिल्क के पैचेस इनमें प्रेजेंट होते हैं और अपने यंग वन को ये फीड करते हैं। सो डिफर है मैमल्स से, बिकॉज ये बर्थ नहीं दे रहे, एग ले कर रहे हैं, बट ये भी अपने यंग वंस का जो ऑफस्प्रिंग्स निकलते हैं आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग, उनको फीड कराते हैं विद दैट ऑफ द मिल्क पैचेस, जो कि फीमेल जो मेमरी ग्लैंड्स है उनसे इसको फीड कराते हैं, राइट? सो दे आर द ओनली ग्रुप ऑफ लिविंग मैमल्स जो कि ले करते हैं एग्स को, रेदर देन बियरिंग लाइव यंग्स। एंड द फीमेल मोनोट्रीम्स नर्स देयर यंग विद मिल्क। और ये भी सेम, मैमल्स जैसे केयर करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी फीमेल मोनोट्रीम्स भी अपने यंग वंस को मिल्क जो है वो फीड कराती हैं। डायवर्सिटी एंड इसके टैक्सोनॉमी के बारे में, तो इन टोटल अगर हम देखें तो बहुत सारी जो स्पीशीज थी वो मोनोट्रीम्स की एक्सटेंट हो चुकी हैं। सो देयर आर ओनली, अभी प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ 5 स्पीशीज हैं, लिविंग स्पीशीज हैं, जिनको कि हम स्टडी करते हैं। और ये जो 5 लिविंग स्पीशीज हैं वो आती हैं 2 फैमिलीज के अंदर। सो द फर्स्ट फैमिली इज ऑर्निथोराइनकिडाई। तो ऑर्निथोराइनकिडाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशीज है जो कि अभी प्रेजेंट में लिविंग है, बाकी जो 3 हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एंड दिस इज द ऑर्निथोराइनकस एनाटिनस, जो कि जिसको कि हम मॉडर्न प्लैटिपस बोलते हैं, वो अभी लिविंग है और इसको हम स्टडी करते हैं। बाकी ये जो मोनोट्रेमेटम सुदामेरिकेनम है, एंड ऑब्जुरोडॉन डिक्सोनी एंड ऑब्जुरोडॉन इनसिग्निस, ये जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट फैमिली आती है, दिस इज टैकोग्लॉसिडाई। एंड इसके अंदर जो स्पीशीज है, इसमें एक्टिनास आते हैं, ऊपर हमने देखा था कि इसमें ऑर्निथोराइनकिडाई में हम प्लैटिपस को देखते हैं, एंड टैकोग्लॉसिडाई में हम एक्टिनास को देखते हैं। यहाँ पे आप एक्टिना को देख भी रहे हैं। सो दिस फैमिली इंक्लूड एक्टिनास, एंड टोटल जो लिविंग स्पीशीज है वो 4 लिविंग स्पीशीज है, और जिनको कि हमने डिवाइड किया हुआ है 2 जेनवास के अंदर। तो फर्स्ट इज टेकाइग्लॉसिस एंड सेकेंड इज जेगलोग्लॉसिस। तो टेकाइग्लॉसिस के अंदर अभी आप देखोगे एक स्पीशीज है विच इज ऑफ शॉर्ट बीक्ड एक्टिनास की, जिसे टेकाइग्लॉसिस एक्यूलिएटस बोलते हैं। एंड जेगलोग्लॉसिस के अंदर 3 स्पीशीज ऑफ लॉन्ग बीक्ड एक्टिनास प्रेजेंट होती है। आइए इन स्पीशीज को देख लेते हैं। सो ये जो स्पीशीज है वो तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, इस फैमिली के अंदर। बाकी अभी हमने देखा ना कि जो टेकाइग्लॉसिस एक्यूलिएटा है, विच इज अ शॉर्ट नोस्ड एक्टिना, ये प्रेजेंट है टेकोग्लॉसिस के अंदर। एंड जेगलोग्लॉसिस में 3 स्पीशीज हैं, ये विच इज जेगलोग्लॉसिस ब्रुइजिनी,
which is also known as a western long beaked echidna, क्योंकि इसकी जो beak है अभी आप देखोगे वो long होती है. And the second is Jagellosis bartoni, which is also known as the eastern long beaked echidna. And third is Jagellosis aterborgii. इसको जो नेम दिया गया था ऑन द नेम ऑफ सर डेविड्स लॉन्ग बीक्ड, इनका जो नाम है अभी आप देखोगे, अभी हम देखेंगे, उनके नेम पर ये लॉन्ग बीक्ड एक्टाइना है, उसको नेम किया गया था. एंड जो स्पीशीज है Jagellosis hecketii, ये भी एक्सटेंट हो चुकी है. तो इन टोटल ये जो थ्री स्पीशीज हैं वो एक्सटेंट है, और प्रेजेंटली अभी हमने बोला ना फोर स्पीशीज है, जिसमें कि एक बिलोंग करता है Tetraglossus को, एंड जो थ्री है वो बिलोंग करती है Jagellosus को. ठीक है, सो इसकी बात कर रहे थे हम, जिसको कि सर डेविड ने के नेम पर दिया गया. सो जो स्पीशीज है विच इज Jagellosus aterborgii, इसको नेम किया गया था ऑन द नेम ऑफ सर डेविड एटनबर्ग के नेम पर. इनका अगर हम देखें कंजर्वेशन स्टेटस, तो प्लैटिपस जो है वो लीस्ट कंसर्न में आते हैं, शॉर्ट बीक्ड एक्टाइनास भी लीस्ट कंसर्न है, एंड जो लॉन्ग बीक्ड एक्टाइना है जिन पे ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ओल्डेस्ट फॉसिल मोनोट्रीम्स का लगभग 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, एंड इट वॉज फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, राइट. इसके साथ साथ फॉसिल्स अर्जेंटीना में भी देखने को मिले, एंड प्रेजेंट टाइम में जो मोनोट्रीम्स हैं दे अकर ओनली इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया. एक्टाइनास को डिटेल में देखते हैं, इसके अंदर Jagellosus एंड Jagellosus के बारे में हमने देखा था, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. तो जो एक्टाइना है इसको हम स्पाइनी आंट ईटर भी बोलते हैं, बिकॉज आप इसका पिक्चर देखोगे तो इसमें बहुत सारे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, शार्प स्पाइंस ऑन देयर बैक, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज़ स्पाइनी आंट ईटर. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत सारे स्पाइंस प्रेजेंट है. एक्टाइनास ऑस्ट्रेलिया में ऑल ओवर पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं इन डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड हैबिटेट्स, एंड ये पाए जा सकते हैं वहाँ पे वुडलैंड्स में, डेजर्ट माउंटेन्स, दे लिव इन फॉरेस्ट ऑल्सो, एंड दे आर क्रेपस्क्यूलर एंड नॉक्टर्नल, मीन्स ये डिम लाइट में बाहर आते हैं या फिर एकदम नाइट में ही बाहर पाए जाते हैं. इनकी बॉडी जो है वो हमने देखा कवर्ड रहती है हेयर से, एंड दे आर टू, देर आर टू टाइप्स ऑफ हेयर. पहले होते हैं शॉर्ट कोर्स हेयर जो कि इनको वार्म रखने का काम करते हैं, एंड द सेकेंड वन आर लॉन्ग शार्प स्पाइंस जो कि मॉडिफाइड हेयर्स ही होते हैं. दे आर हेयर्स बट दे आर मॉडिफाइड इनटू द लॉन्ग शार्प स्पाइंस. ये हमने देख रहे हैं ब्राउन कलर के हैं, दे आर डार्क ब्राउन, एंड इनके अंदर लाइट कलर के स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं. इनकी जॉ बोन्स काफी लॉन्ग होती हैं और विच फॉर्म अ स्नाउट दैट हैज अ नोटी. सो जॉ बोन्स काफी लंबी हैं जो कि स्नाउट जो है वो फॉर्म करती हैं, एंड इनके अंदर कोई भी टीथ नहीं होता है स्नाउट में. अब इनके अंदर ईयर होल्स हैं, इस वजह से इनकी जो हियरिंग पावर है, सुनने की कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है. शॉर्ट बीक्ड एक्टाइना विच इज Tetraglossus aculeatus, वो थ्रू आउट द ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है एंड सदर्न न्यू गिनिया में पाया जाता है. अब इसके जो मेल्स होते हैं दे मे ग्रो अप टू द अबाउट 30 से 40 सेंटीमीटर और लगभग 7 केजी तक वो वेयर कर सकते हैं, जबकि फीमेल्स थोड़ी सी स्मॉलर होती हैं. इनका लाइफ स्पैन हम देखें तो काफ़ी है, 45 ईयर्स तक लिव जी सकते हैं ये, एंड इनकी जो टंग होती है लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, लगभग 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड वो इसकी आप स्पीड देखिए तो उसको मूव किया जा सकता है इन एंड आउट 100 टाइम्स पर मिनट. ठीक है, तो एक मिनट में 100 टाइम्स ये इन एंड आउट मूव कर सकते हैं. इस वजह से क्या है, इतना स्पीडली है प्लस स्टिकी है, तो इट इज वेरी परफेक्ट है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आंट्स को ये बहुत अच्छे से कैच कर सकते हैं टर्माइट्स एंड इंसेक्ट्स लावा, इसे ये कैच करने में हेल्प करती है. इसके साथ साथ जो टंग और जो माउथ का ऊपर का पोर्शन है रूफ है वो स्पाइंस से कवर्ड रहता है, और इन स्पाइंस की वजह से जो भी कुछ ये इंसेक्ट्स लेते हैं उनका जो स्केलेटन होता है उसको ग्राइंड करने में इनको बहुत हेल्प मिलती है, और इस वजह से इनका जो फूड का डाइजेशन होता है वो प्रॉपर हो पाता है. अब ये आंट्स को ढूंढते कहते हैं अदर इंसेक्ट्स को बाय यूज ऑफ देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड पावरफुल डिगिंग क्लॉज. इनके जो क्लॉज हैं उससे ये क्या करते हैं, डिगिंग कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से ये इनको सर्च करते हैं अपने फूड को. नाउ दे आर सॉलिटरी, मीन्स ये अकेला रहना ही पसंद करते हैं. ये सिर्फ जब इनका मेटिंग का टाइम होता है तो ये अपने साथ में आते हैं.
और इनका जो मेटिंग टाइम है दैट्स लास्ट फ्रॉम 2 से 3 वीक्स होते हैं जुलाई से अगस्त में, वहाँ इनका मेटिंग टाइम लाइक करता है। इस टाइम में जब इनका मेटिंग पीरियड चल रहा होता है तो फीमेल मेल जो है वो फीमेल को फॉलो करते हैं एंड फीमेल जो है वो उनमें से अपने मेट को चूज करती है एंड द फीमेल यूजली गिव्स बर्थ टू ओनली 1 लीटरी एग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल एक एग को बर्थ देती है, सिंगल लीटरी एग को। नाउ ये जो एग है इसको कहाँ प्लेस किया जाता है, पाउच में। एक पाउच क्या है, ये जो फीमेल है उसकी स्किन जो फोल्ड होती है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जहाँ पर ये एग प्लेस किया जाता है एंड ये एग हैच होता है आफ्टर 10 डेज। अब इस ये जो आपको फीटस दिख रहा है ना, इस फीटस के पास, ये फीटस है, ये एग की शेल है, तो इसके पास क्या होता है, एक एग टूथ होता है, ठीक है, एक एग टूथ होता है, पॉइंटेड आप कह लीजिए स्ट्रक्चर है ये, दांत, एक दांत लाइक स्ट्रक्चर होता है, टीथ लाइक, सो दिस इज एग टूथ बोलते हैं इसको। तो फीटस के अंदर क्या होता है, एग टूथ होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर, इसकी हेल्प से ये जो एग शेल है उसको ये ब्रेक कर पाता है। अब यंग वंस जब आ जाएंगे तो वो कैसे फीड करेंगे, बाय लिकिंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क टिश्यू पैचेस ऑन द मदर्स स्किन। तो मदर की स्किन पे जो पैचेस प्रेजेंट होते हैं मिल्क टिश्यू के, मेमरी ग्लैंड के, बट पैचेस प्रेजेंट होते हैं, उनसे ये मिल्क को लिक कर लेते हैं। और जब तक स्पाइंस अच्छे से ग्रो नहीं हो जाते, ग्रो होना शुरू नहीं हो जाते, तब तक ये पाउच में रहते हैं। और जब ये ग्रो हो जाते हैं तो मदर उनको नर्सरी बरोज के अंदर रख देती है ग्राउंड में, ठीक है। सो इट इज कैरिंग इन द पाउच अंटिल इट्स स्पाइन बिगिन टू ग्रो व्हेन द मदर प्लेसेस इट इन द नर्सरी बरो हॉलोज इन द ग्राउंड। अब एक बार इनको बरोज के अंदर रख दिया तो मदर जो है आती जाती रहती है, शी रिटर्न्स फ्रीक्वेंटली टू फीड द यंग, फीड कराने के लिए, और एक साल के अंदर अंदर ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, तो जब खतरे का एहसास होता है तो ये अपने आप को कर्ल अप कर लेते हैं, और जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ जो स्पाइंस हैं उनकी हेल्प से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और अगर ये सॉफ्ट ग्राउंड पर प्रेजेंट है, ग्राउंड जो है वो सॉफ्ट है, तो वो वहाँ पे डिग कर लेंगे, उसको खुदाई कर लेंगे और अंदर चले जाएंगे, और तब जो है ये शार्प स्पाइंस को प्रोटेक्ट कर देते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द इग्जाइनास। अब हम देखते हैं प्लैटिपस के बारे में। नाउ लेट्स सी अबाउट द प्लैटिपस। तो ऑर्निथोराइनकस एनाचिनस जो कि लिविंग स्पीशीज है उसको हम देखते हैं। सो दे आर द ओनली एनिमल इन द वर्ल्ड जिसके पास बीक भी है, जो वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उनकी तरह फर प्रेजेंट है, और वेब्ड फीट जैसे आप डक्स वगैरह में देखते हो उनके अंदर वेब्ड फीट्स भी प्रेजेंट है। सो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स को शो करते हैं। इनको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये बहुत सारे मैमल्स के करेक्टर्स जैसे कि मेमरी ग्लैंड, हेयर, डायफ्राम, सिंगल एरोटिक आर्च, इस तरह के मैमल्स के करेक्टर भी शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड ये रेप्टिलियन करेक्टर्स जैसे कि इनके अंदर लार्ज कोरकवाइट प्रेजेंट है पेक्टोरल गर्डन में, इसके साथ साथ एग्स को लेकर रहे हैं कि आप देखिए रेप्टाइल्स की तरह विद यॉर्क एंड शेल। सो दे आर नोन एज अ कनेक्टिंग लिंक विद द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ये आपको लेक्स के अंदर, क्रीक्स, रिवर स्ट्रीम्स ऑफ अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम कुक टाउन इन नॉर्थ एंड क्वींसलैंड टू हॉबर्ट मीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइंड है बिकॉज इनको एक्वेटिक लाइफ में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। अब इनका जो फर होता है वो वाटर प्रूफ होता है, उसकी आउटर लेयर जो होती है वो लॉन्ग फ्लैट प्लेटेड गार्ड हेयर से बनी होती है और इनर लेयर जो है वो फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी हेल्प से, फर की हेल्प से ये हेल्प अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पाते हैं उसमें एयर को ट्रैप करके। फीमेल प्लैटिपस लगभग 44.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड अप्रॉक्स 1.2 केजी होती है एंड इसके अंदर पाउच नहीं होता है टू कैरी हर यंग, जैसे कि हमने एग्डाइना में देखा था। वो क्या करती है, एग को ले करती है इन हर स्पेशल नेस्टिंग चैम्बर और यंग वन उसके मिल्क पर ही फीड करते हैं। जो शेल्स होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, एग के सेल बहुत सॉफ्ट होते हैं। मेल प्लैटिपस जो होता है वो लगभग 50 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है एंड 1.6 केजी तक। एंड इसके अंदर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो देखेगी, स्पर्स आपको दिख रहे हैं हाइंड लेग के पीछे, यहाँ पर स्पर्स पॉइजनस स्पर प्रेजेंट होते हैं। सो मेल प्लैटिपस के अंदर ये पॉइजनस
स्पर देखने को मिलते हैं। द वेब्ड फीट ऑफ प्लेटिपस आर मॉडिफाइड फॉर वेब्ड है मींस वो उसको हेल्प करेंगे स्विमिंग और डिगिंग में। व्हेन प्लेटिपस जब फीट करता है अबव द वाटर लेवल तो अपना वो हेड को शेक करता रहता है फ्रॉम साइड टू साइड, जिसकी वजह से इसकी जो बिल है उसमें जो नर्व्स प्रेजेंट है वो सेंस कर पाती हैं फूड को। इनकी डाइट के अंदर क्या आते हैं, लावा श्रिम्प आ जाते हैं, हॉर्स हेयर वॉर्म्स, फिश एग एंड प्लांट्स। ये लगभग टेन ईयर्स और मोर ये जिंदा रह सकते हैं। ये बरोस को डिक करते हैं और अपना नेस्ट फॉर्म करते हैं वहां पे। हमने देखा था कि एक्टाइनस में पाउचेस के अंदर एग रखते हैं, बट ये अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं ग्राउंड में और वहां पे अपने एग्स को ले करते हैं। जो यंग प्रोड्यूस होंगे वो मिल्क कहाँ से ऑप्टेन करेंगे, मैमरी ग्लैंड जो होती है मदर्स की वहां से ये ऑप्टेन करते हैं। जब ऑफस्प्रिंग बॉर्न होते हैं तो उनके अंदर स्पर प्रेजेंट होता है, जैसे हमने देखा था स्पर सबके अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसमें स्पर प्रेजेंट होता है हाइंड लेग के पीछे। लेकिन ये आगे चल के मेल्स तो इसको रिटेन करते हैं पूरी लाइफ के लिए, पर फीमेल्स के अंदर इसका लॉस हो जाता है विद इन अ ईयर। जो स्पर है जो भी हमने देखा था हाइंड लेग के बैक साइड में प्रेजेंट था, वो कनेक्टेड रहता है एक वीनम ग्लैंड से विच इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ये काफी जहरीला होता है। इट कैन इन्फ्लिक्ट अ वेरी सीरियस वुंड एंड अ वीनम इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल अ लार्ज डॉग। तो दिस इज अ वेरी पॉइजनस, मींस एक लार्ज डॉग को भी किल करने की कैपेसिटी रखता है। ये हमने देखा कि किस पर फीड करते हैं, श्रिम्प पर, बाइवेल्व मॉलस्क, फ्रॉग एंड फिश एग। इसके बाद इनकी जो बिल है वो काफी सेंसिटिव होती है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि जनरेट होते हैं बाय द मसल एक्टिविटी ऑफ द स्मॉल प्रे उनको तक डिटेक्ट कर सकती है। जब जिस टाइम ये अपना फूड तलाश कर रहे होते हैं तो रिपीटेटिवली ये डाइव करते हैं फूड को कैप्चर करने के लिए, और ये अपने चीक्स के जो पाउचेस होते हैं वहां पे इस फूड को स्टोर कर लेते हैं। यंग्स के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे जैसे एनिमल मैच्योर होता है टीथ लॉस हो जाता है। देन अडल्ट्स के अंदर हॉर्नी बकल पैड्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ताकि वो अपने बकल मीन्स माउथ के अंदर वहां पे हॉर्नी स्पाइनी आप कह सकते हो पैड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि इनका फूड जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो सकता है। सो दिस वॉज अबाउट द प्लैटिपस, सो दे वेयर द एग लेइंग मैमल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।